हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला है आप लोग से कि एमआरआई क्या है, एमआरआई करने के लिए आपको कोई नुकसान है क्या नहीं, एमआरआई सिटी स्कैन की तरह है क्या नहीं, एमआरआई करने में कितना पैसा लगता है, एमआरआई करने के लिए आपको जो कंसेंट फिलअप करना पड़ता है, कोई मेडिसिन देता है, क्या स्टडी, कौन सा स्टडी कैसे किया जाता है, कौन सा स्टडी में कितना पैसा लगता है, ये सब के बारे में। तो मेरा नाम है बाबू और आई एम ए बी एस सी रेडियोग्राफर विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट दिस फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शंस ऑफ द एमआरआई। एमआरआई मशीन एक ऐसा मशीन है, बहुत महंगा मशीन, ये कम से कम 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ से भी ये आता है। हम लोग का इंडिया में बहुत कम हॉस्पिटल में ये एमआरआई मशीन रहता है। एमआरआई करने के लिए आपको कौन सा पार्ट, जैसे एमआरआई ब्रेन हो रहा है, एमआरआई एल स्पाइन हो रहा है, एमआरआई एब्डोमेन हो रहा है, ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग चार्ज लिया जाता है। एमआरआई करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन रहता है, जैसे आप नेक्स्ट डे एमआरआई करने के लिए जाओगे तो पहला दिन आपको कौन कौन एमआरआई करने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, कौन कौन एमआरआई करने के लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपने डॉक्टर कौन एमआरआई एडवाइस किया है। तो सपोज एमआरआई कंट्रास्ट होता है, कभी कभी क्या होता है, एमआरआई कंट्रास्ट लिख का होता है, जो प्लेन एमआरआई जिसमें मेडिसिन देना ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें जनरली प्रिपरेशन बहुत सारा कम रहता है। लेकिन जहाँ पर अपना कंट्रास्ट देने के लिए रहता है, कंट्रास्ट लिख का रहता है कि एमआरआई ब्रेन प्लस कंट्रास्ट पी प्लस सी, ऐसा करके अपना प्रेस्क्रिप्शन में रहेगा, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक प्रिपरेशन लेना पड़ता है, आपको फास्टिंग भी रहना पड़ेगा 4 आवर टू 6 आवर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये फास्टिंग और आपको ये जो कंसेंट फिलअप करना पड़ेगा और कॉन्ट्रास्ट के लिए अलग चार्ज भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम आप कि एमआरआई करने के लिए डर कोई नुकसान है क्या बॉडी में। हाँ, एमआरआई करने के लिए जब आप बॉडी पहला एमआरआई करने के लिए जाओगे हॉस्पिटल में, तो उधर आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक कंसेंट फॉर्म, मतलब वहाँ पर एक बॉन्ड सही करना है। तो ये कंसेंट फॉर्म क्या होता है, उसमें लिखा रहेगा कि आपको आपको डेथ भी हो सकता है, अपना अपना कोई ऑपरेशन हुआ है क्या नहीं, पेसमेकर है क्या नहीं, मेटालिक इम्प्लांट है क्या नहीं, ये सब कोई हिस्ट्री, आपको आपका लाइफ का जो हिस्ट्री है, कोई सर्जरी हुआ क्या नहीं, ये सब डिटेल्स आपको भरना है, बाद में इधर सिग्नेचर करना है। अगर आपका कोई सर्जरी नहीं हुआ है तो नो क्लिक करना है, सर्जरी हुआ है तो उसमें क्लिक करना है, और एंट्री होने से पहले आप वो जो टेक्नीशियन है या डॉक्टर है वो जो आपको गाइड कर रहा है उनको अच्छे से बताना है कि मेरा ये सर्जरी हुआ है। क्योंकि ये एमआरआई जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये क्या होता है, ये चुंबक होता है, यानी वो मैग्नेट होता है, कोई भी आपका बॉडी में कोई मेटल है वो खींच लेता है बहुत जोर से, वो बहुत डेंजर हो सकता है। अगर आपका बॉडी में कोई मेटल नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो बिफोर एंट्री द एमआरआई रूम, तो यू शुड चेक, चेक करेगा कि ये चेकअप लिस्ट में आपको फिलअप करना है अच्छे से, और अपना बॉडी का पूरा ड्रेस चेंज करके उन लोग हॉस्पिटल से प्रोवाइड करके हुआ जो ड्रेस है वो पहनना है, वो पहन के आपको अंदर जाना है, ठीक है। अगर आपका बॉडी में पेसमेकर है, कोई मेटालिक इम्प्लांट है, कोई सर्जरी है, तो आपको जाने से पहले जरूर टेक्नीशियन से बात करना है कि मेरे को जाना अलाउ होगा क्या नहीं, इसका डिपेंड करता है अलग अलग सर्जरी और अलग अलग प्रोसीजर में, ठीक है। अभी देखिए हम रेड के, आपका जो एंट्री हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एमआरआई करने के लिए उधर क्या होगा सिचुएशन, उधर होगा बहुत सारे साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, अलग अलग की तरीका के साउंड, जैसे कभी कभी क्या होता है प्लेन का साउंड हो जा रहा है, कभी कभी ट्रेन का, कभी कभी गाड़ी का, ऐसा अलग अलग जोर जोर से साउंड होगा। तो आपको टेक्नीशियन से बता सकता है कि अगर टेक्नीशियन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको कान में कोई रुई डाल देगा कि आपको साउंड कम सुनाई दे, क्योंकि वो साउंड ही आपको इरिटेट कर देता है। ऐसे आपको कोई क्लोस्ट्रोफोबिया है, आपको बहुत डर लगता है, ये सब अपना मन की बात है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपको डर जाते हो तो ये आपका मन की बात है, आपका मन का कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर डरते हो तो फिर भी आपको आपको टेक्नीशियन को बता देना है कि आपको हाथ में कुछ दे देने के लिए, कि आप कोई दिक्कत है तो वो आपको हाथ में एक बैलून की तरह देगा, जो प्रेस करने के लिए आपको सिग्नल मिल जाएगा टेक्नीशियन को, और टेक्नीशियन आपको हेल्प करने के लिए जल्दी से तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बता देना है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, ये कोई सिटी स्कैन नहीं है, एक्सरे नहीं है कि आपको बॉडी में कोई नुकसान आएगा, इसको रेडिएशन नहीं है, ये बस मैग्नेट का एक इमेज जो अपना बॉडी
बॉडी में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहता है, बॉडी का जो वाटर रहता है उसके से रिएक्शन करके हम लोग ये इमेज लेते हैं, ठीक है ना। उसमें डरने का कोई बात नहीं। अगर कॉन्ट्रास्ट ज़रूरत है, ब्रेन में कुछ अलग कुछ मैटर कुछ डिजीज मिल गया, ट्यूमर मिल गया, बॉडी में मिल गया, तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा जो है अपना गैडोलिनियम भी हो सकता है। ये है जो कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा उसके लिए कुछ कंसेंट देना, अलग से कंसेंट देना पड़ता है, एलर्जी है क्या नहीं वो सब डिटेल्स, ठीक है ना। उसका इतना रिएक्शन नहीं होता है फिर भी आपको कंसेंट देना पड़ता है। उसका अगर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन होता है तो ये आपको डिस्कशन करके अच्छे से कंसेंट फिलअप करके फिर जाओ, उसमें दिक्कत नहीं है। कंसेंट देने से आपको मर जाओगे ऐसा कोई नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है ना। अभी देखिए ये MRI के बारे में आपको इतना तो है कि आपको LS spine करने में क्या है, ब्रेन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मेरा ये आप देख रहे हो जो ये मेरा चैनल है उसका है रेडियोग्राफी रेडियोग्राफर गुरुजी, आप ये सब्सक्राइब कीजिए। और आपको और कोई क्वेश्चन है तो मेरा ये चैनल का ओपन करके आप नीचे जाइए और वीडियो में आपको पूरा लिंक में मिल जाएगा, बहुत सारा मेरा वीडियो जहाँ पर LS spine है, ब्रेन है, कॉन्ट्रास्ट स्टडी MRI, अलग अलग तरीके की MRI जो आपका ज़रूरत है वो आप देख सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो में कोई भी आपको हेल्प हुआ, आपका लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, तो ज़रूर आपने मेरा वीडियो को लाइक करें। और सबसे पहले तो बोलेंगे कि इतना मुश्किल से ये वीडियो बनाया है और बनाते हैं हम, आप मेरे को ये वीडियो शेयर बटन में क्लिक, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है ना, कि इंसान देखे, अपना फ्रेंड जो रिलेटिव जो MRI करेगा करना है उनका भी कुछ नॉलेज हो जाएगा और मेरा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, इतना तो बनता है यार, ठीक है ना। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरा साथ में रहना। मेडिकल नॉलेज कम है तो हम ज़रूर आपको और भी नॉलेज देंगे, सिर्फ MRI सिटी ये सब नहीं है, मेडिकल जितना सारा डिजीज है अपना बॉडी का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अपना जो डिजीज अलग अलग तरीके का डिजीज, इसमें भी आपको नॉलेज देंगे, ठीक है ना। तो बहुत शुक्रिया है कि आपका ये टाइम देने के लिए, और थैंक यू सो मच।